नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोहित, आपका अपना चैनल जहां सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज हम सीखने वाले हैं हैव। फ्रेंड्स, हैव का प्रयोग किसी के पास कुछ है इस मायने में किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास टाई है या कुछ भी है, उसके पास कार है, उसके पास स्कूटर है, किसी के पास कोई चीज है, इसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये है कि आपको कब हैव और कब हैज का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, सीता यानी कि कोई नाम या सिंगुलर नाउन है तो आपको हैज लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो आपको हैव लगाना है। और सेंटेंस को बनाने से पहले, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको उसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूं तो हमारा सब्जेक्ट आया आई और पास है के लिए आया हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, सब्जेक्ट आई, हैज में से लिया हमने हैव और ऑब्जेक्ट आया अ पेन। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। उसके पास कार नहीं है तो उसके को बोलेंगे हम यहां पर ही हैज नॉट अ कार, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट उसके बाद हैज है और थर्ड प्लेस पर नॉट लगा दिया हमने और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया ही हैज नॉट अ कार। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैटर्न बनता है, तो सेंटेंस बनेगा हमारा, मान लीजिए क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। हैव यू सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। हैव पहले क्यों आया, क्योंकि हमारा पैटर्न ये कहता है कि जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, क्या वाला हो, तो आपको हैज हैव का प्रयोग पहले करना है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने हैव पहले लगाया है, उसके बाद सम मनी लगाया है। हैव यू सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, क्या सोनिया के पास बुक नहीं है। जब सेंटेंस में क्या और नहीं आ जाता है तो हम उसे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बोलते हैं। हैज सोनिया, क्योंकि सोनिया एक नाम है तो जब भी किसी नाम की बात होगी तो उसके साथ हैज आएगा। हैज सोनिया नॉट अ बुक, क्योंकि नॉट मतलब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। तो हैज हैव का बेसिकली क्या मीनिंग है कि जब हम किसी को ये बताते हैं कि किसी के पास कुछ है, चाहे वो मेरे पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे किसी और के पास हो, इसी की पास्ट फॉर्म होती है हमारी हैड। हैड का मतलब होता है किसी के पास कुछ था, यानी कि हम ऐसी बात करते हैं कि भाई मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी, या कुछ भी था, कोई भी ऐसी चीज जो पहले आपके पास थी और आज की डेट में नहीं है, यानी कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक साइकिल थी, तो हम हैज हैव की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड अ बाइसिकल। अब यहाँ पर तो आपके पास दो ऑप्शन थे हैज और हैव चूज करने के लिए, बट हैड तो अकेला है तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है कि आई के साथ हैड लगाना है, वी के साथ हैड लगाना है या किसके साथ लगाना है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पैटर्न चल रहे हैज हैव के, उसी में अगर आप पास्ट का टेंस बनाएंगे तो जहां जहां आपने हैज हैव रखा हुआ है उस जगह पर आप हैड लगाकर हैड का पैटर्न बना सकते हैं, बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। तो हमने हैज हैव को हटाया और उसी जगह पर हैड रख दिया। उसी तरह से आप नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में, जहां जहां पर हैज हैव का प्रयोग होता है उसकी जगह हैड का प्रयोग करें। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शारीरिक तकलीफों को बताने के लिए। अब शारीरिक तकलीफें क्या होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सर्दी, खांसी, जुकाम आदि, इनके लिए भी आप हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अगर वो तकलीफ प्रेजेंट मोमेंट को दिखा रही है
कि भाई मेरे सिर में दर्द है, कब, अभी भी है, तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द था कल, यानी कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप हैड का यूज करेंगे। आई हैव फीवर का मतलब है कि मुझे बुखार है, अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में है। और आई हैव हेडेक का मतलब है कि मुझे सिर दर्द है। अगर आप यहां पर हैज हैव की जगह हैड लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैड फीवर, यानी कि मुझे बुखार था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।